नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। करनाल में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम से पहले ही वहां पर आंदोलित किसान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। उग्र किसानों ने वहां पर तोड़फोड़ की, कुर्सियां तोड़ दी। साथ ही जहां पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वहां पर हेलीपैड पे भी उन्होंने फावड़े से गड्ढा खोद दिया। इसके बाद उग्र किसानों को पुलिस ने तितर बितर किया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और साथ ही साथ वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। इस तरीके से प्रद्युम्न, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये आंदोलन जो है वो शांतिप्रिय ढंग से हो रहा है दिल्ली के तमाम सीमाओं पर, लेकिन करनाल में जो हुआ, किसान जिस तरह से उग्र हुए, जिस तरह से उन्होंने एक हिंसात्मक रूप से किसान निकलकर सामने आए, ऐसे आंदोलन को कितना समय लगेगा अगर सरकार चाहेगी तो उसकी कमर तोड़ने में? देखिए, ऐसा है, कमर तोड़ने की जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं तो वो शायद अब सरकार के बस में तो रहा नहीं है, क्योंकि नरेश टकैत की बात कर रहे हैं चाहे राकेश टकैत की बात करें, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया है कि 2024 तक तो ये आंदोलन चलेगा, जब तक किसान जो सरकार है वो हमारी मांगों को नहीं मानती है। अगर हम करनाल की बात करते हैं, जिस तरीके से लाठीचार्ज भी हुआ है, तो सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जब लगातार कोशिशें की जा रही है, वार्ताओं का दौर चल रहा है, उसमें भी कोई समझौता नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद महापंचायत में पहुंचने थे और लोगों को समझाने का प्रयास वो एक बार फिर से करने वाले थे, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात से काफ़ी चिढ़ गए, जिसके चलते इस तरीके से उन्होंने उपद्रव मचा दिया। और आप जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरना था, वो हेलीपैड भी तोड़ दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि जिस तरीके से किसान लगातार उग्र हो गए, तो ऐसे में लाठी चार्ज करना ही एक आखिरी उपाय रह गया था क्या? जी बिल्कुल, इस तरह से जैसा जो आंदोलित किसानों ने आज किया है, जो उग्र किसानों ने आज किया है, इस तरह की अगर हरकतें होती हैं, इस तरह से अगर वो लोग करते हैं, तो इससे सरकार को कहीं ना कहीं बोलने का मौका भी मिल जाता है। साथ ही साथ ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर सरकारें सीधे जाकर बात करना चाहती हैं, सरकार अगर सीधे जाकर किसानों के बीच उनको समझाना चाहती है कि इन कृषि कानूनों के क्या फायदे हैं, तो ऐसे में वो कौन लोग हैं, वो कौन किसान है जो उनसे बात भी नहीं करना चाहते, जो संवाद को, एक डायलॉग को भी स्थापित नहीं होने दे रहे हैं? अगर सरकारें उनके बीच में पहुंचकर शायद उनको समझा सकें, बेहतर ढंग से उनको बता सकें कि कानून के फायदे क्या हैं, अगर संवाद ही नहीं होगा, डायलॉग ही नहीं होगा, तो ऐसे में बात कैसे बनेगी? देखिए ऐसा, काविंद्र जी, इस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में संवाद तो लगातार चल ही रहा है ना, वार्ताएं तो हो रही है। 15 जनवरी को एक और बार फिर से ये मीटिंग होगी जहां पर किसान अपनी बात रखने की व्यवस्था कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार कोशिश भी ये की जा रही है कि समझौता निकल जाए, लेकिन वार्ताओं का दौर जारी है। लेकिन बात यहाँ पर अपनी वर्चस्व की आ गई है कि सरकार भी पीछे हटना नहीं चाह रही है, तो वहीं किसान भी अपनी बात पर अड़े रहना चाहते हैं। किसान ये इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इसमें संशोधन नहीं चाहिए हमको, ये कानून जो है ये वापस होना चाहिए, ये उनकी जिद है। ऐसे में सरकार अपनी जिद लेकर बैठी हुई है, तो जब तक ये जिद वाला फॉर्मूला बीच में चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन तो अभी शांत नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि जहां पर आंदोलन लगातार जारी है, ऐसे में व्यवस्थाएं सारी कुछ वहां पर है, कुश्ती भी होती है, बैडमिंटन भी खेला जाता है, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, कोई गरीब वहां पर पहुंचता है तो उसको भी खाना खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात हो जाती है देखने वाली कि जिस तरीके से आंदोलन में जो शक्ति है वो भरपूर मात्रा में मिल रही है। तो ये आंदोलन, क्योंकि जिक्र भी कर दिया गया है कि 2024 तक लगातार जारी रहेगा, अब देखने वाली बात ये हो जाएगी कि जिस तरीके से 15 जनवरी को एक और बैठक होनी है, तो उसमें क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है। जी बिल्कुल, अगर 2024 तक आगे यही आंदोलन जारी रहेगा, उससे पहले अगर बात बन जाती है तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल, साथ ही साथ एक और चीज है जो आज करनाल में हुआ, जिस तरीके की तस्वीरें पूरे दिन तमाम टीवी चैनल्स पर चलती रही, लेकिन इसके उलट दूसरा पहलू भी है। यूपी गेट पर जिस तरीके से आज कुश्ती का आयोजन किया गया, जहां पर नरेश टिकैत भी मौजूद रहे, साथ ही जितने भी तमाम सीमाएं हैं, वहां पर लाखों किसान शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं। वहां पर खाने का सामान है, वहां पर रहने का सामान है, टेंट लगा दिए गए हैं, बकायदा वहां पर कुर्सियां हैं, हर चीज की व्यवस्था की गई है, वॉशिंग मशीन से लेकर टीवी भी देखी जा रही है। तो जब एक तरफ जो किसान हैं, जो 40 संगठन के किसान एक साथ सीमाओं पर मौजूद हैं और शांतिप्रिय ढंग से हर चीज है, हर व्यवस्था है, जिसको हम लोग कहते हैं विरोध प्रदर्शन करना, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पूरा देश इसको देख रहा है, सरकार भी लगातार बात कर रही है, वार्ताओं का दौर भी जारी है, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो जाना, जैसे जो करनाल में हुआ, जिस तरीके से अगर मुख्यमंत्री संवाद कार्यक्रम करना चाहते थे, इस तरीके की घटनाओं से आंदोलन मजबूत जो होता जा रहा था, उस आंदोलन की जो मजबूती है, उस पर फर्क जरूर देखने को मिलता है। हालांकि जिस तरीके से जो डेडलॉक की स्थिति बनी हुई है, एक पक्ष है किसानों का जो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहता, बिल्कुल भी लचर रवैया नहीं दिखाना चाहता, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सरकार है,
थोड़ा बहुत लचर रवैया कभी कदार दिखाती है, कहती है कानून में कुछ संशोधन करेंगे, किसानों से हम बात करेंगे, किसानों की हम बात सुन रहे हैं, प्रस्ताव भी देती है, लेकिन किसान हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। साथ ही प्रद्युम्न एक चीज़ और है जो सोचने वाली है, किसान जब आंदोलन करने आए थे, जब दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसान थे, वो दिल्ली आना चाहते थे, जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते थे, उस वक्त उनको रोक दिया गया। अब बॉर्डर्स पर किसानों ने एक सिटी डेवलप कर ली है, एक तरीके से अगर आप यूपी गेट पर जाकर देखते हैं, सिंघू बॉर्डर पर जाकर देखते हैं, या फिर आप टीकरी बॉर्डर पर जाकर देखते हैं, तो एक सिटी सी दिखाई देती है, वहां पर उनके टेंट्स हैं, वहां पर उनके तमाम व्यवस्थाओं के सामान हैं। अब जो बात की जो स्थिति है वो बनना बंद हो चुकी है, क्योंकि अगर सरकार का कोई बड़ा नेता उधर नहीं जाएगा, उनसे बात नहीं करेगा, तो ऐसे ही व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, और इसमें देश को घाटा तब हो जाता है कि सबसे बड़ा देश के लिए जो पर्व है 26 जनवरी वो आने वाला है। 26 जनवरी में दिल्ली में सबसे बड़े कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, ऐसे में जब दिल्ली में ही इस तरीके से किसान सड़कों पर नजर आएंगे, और उन लोगों ने कहा है कि बहुत बड़ा एक प्रदर्शन भी होने वाला है, जिसका एक मॉकड्रिल आपको बता दूं कि परसों ही जिसका मॉकड्रिल हुआ था, जिसमें ट्रैक्टर्स में किसान जो थे उन्होंने अपना ट्रैक्टर्स, हजारों ट्रैक्टर्स जो उन्होंने एक साथ निकाले थे, तो अगर 26 जनवरी पर भी इसी तरह की चीजें होती हैं तो ये देश के लिए एक, मैं समझता हूं देश के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में जब सरकार देश के लिए नहीं सोच रही है तो हम लोगों के सोचने से शायद कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मॉक ड्रिल की थी, तो ऐसे में करीब 60,000 ट्रैक्टर बताए जा रहे थे कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ वहां पर पहुंचे हैं, आंदोलन को जोर पकड़वाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन वार्ताओं का दौर भी विफल साबित हो रहा है। अगर करनाल की बात करते हैं तो करनाल में जिस तरीके से उग्र हो गए किसान, तो शायद ये कहा जा सकता है कि किसान समझना नहीं चाहते हैं चीजों को, क्योंकि वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमको ये कानून वापस करवाना है, लेकिन मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे थे किसानों को समझाने के लिए। तो यह भी कहा जा सकता है कि इस तरीके का जो मुख्यमंत्री सोच कर रखे आ रहे हैं कि किसानों को समझाया जाएगा, लेकिन जब किसान इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि हमको समझने की जरूरत नहीं है, हम चाहते ही हैं कि जो कानून बनाया गया उसको वापस कर दिया जाए, लेकिन यह देखने वाली बात जरूर हो जाएगी कि क्योंकि सरकार इस बात में जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि लचर रवैया जो अपना रही है, कि इतनी प्राथमिकता उन चीजों को नहीं दी जाती है, जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन को प्राथमिकता इतनी सही तरीके से नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि वार्ताओं का दौर तो चलता ही रहेगा काविंद्र जी, लेकिन अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा ये जरूर समय बता पाएगा। जी बिल्कुल, जो हट है वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर संवाद नहीं होगा तो समाधान कैसे होगा जी। उसके साथ ही एक और जो चीज है, किसानों के बीच जब जाते हैं बात करते हैं उनसे तमाम हमारे रिपोर्टर्स, तो एक चीज बताई जाती है कि CANRC में जिस तरीके से आंदोलन चलता रहा, सरकार ने उस तरीके से उसको प्रायोरिटी नहीं दी। आंदोलन अपनी तरफ चल रहा था लेकिन सरकारें अपना काम कर रही थी, सरकार ने सीधे कह दिया था कि वो एक पैर भी पीछे नहीं बढ़ाएंगे, एक कदम भी वो पीछे नहीं हटेंगे। वैसा ही कुछ, वैसी ही कुछ स्थिति, वैसा ही कुछ सिनेरियो यहां भी बनता जा रहा है। किसान आंदोलन दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है, 5,000 किसान से 15,000 किसान, 25,000, 50,000, अब लाखों की संख्या दिखने लगी है बॉर्डर्स पर। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, दिल्ली के, नोएडा के या फिर गाजियाबाद के, उनको भी तमाम तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन किसान कहते हैं कि वो उससे ज्यादा परेशान है, वो यहां पर अपने फायदे के लिए, अपना कुछ मनोरंजन के लिए नहीं बैठे हैं, वो दरअसल वो इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि उनको यहां पर आना ही पड़ा। अगर सरकारें चाहती, जब वो पंजाब में जब वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे थे, वो वहीं पर उनको समझा सकती थी, वहीं पर कानून वापस ले लेती, तो उनको यहां नहीं आना पड़ता। ऐसा ही यूपी वेस्ट के किसान भी कहते हैं, ऐसा ही हरियाणा के किसान भी कहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर करनाल में जैसी स्थिति आज बनती है, ऐसी अगर हरकतें या ऐसी चीजें हमको कहीं और भी देखने को मिलती हैं, तो इससे जो आंदोलन है उसकी कमर टूटना लाजमी है। सरकारें इस चीज को बहुत अच्छे से भुना पाती हैं। आंदोलन में जहां हिंसा हो जाती है वहां सरकार तुरंत लाठी चार्ज का इस्तेमाल करके, अपना जो तंत्र है उसका इस्तेमाल करके, वाटर कैनन्स जो भी कह लें, लाठी चार्ज कह लें, या फिर जिस तरीके से करती हैं, उससे कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है सामने वाले का और प्रदर्शन को भी कुचला जा सकता है। तो इसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि किसान जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें देश के लोग भी, एक सिंपथी वाला एंगल होता है प्रद्युम्न, तो सिंपथी वाला एंगल भी उससे गेन कर रहे हैं, जिससे सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ गई और किसान जो है वो फ्रंट फुट पे है, जो देश का भी समर्थन मिल रहा है। डेली वहां पर आप देखेंगे कि डेली जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर कई संस्थाएं डेली आकर अपना झंडा बैनर लगाती हैं और बताती हैं कि हम भी इस प्रदर्शन में उनके साथ हैं। ऐसे प्रदर्शन जो इतना प्रबल होता जा रहा है, जिसमें जोश है, मजबूती है, जो सरकार को बता रहा है कि हम किसान हैं, हमारे लिए कानून है, तो क्यों नहीं हम इस पर बात कर सकते? क्यों ये 5 मंत्रियों के साथ या 5 अधिकारियों के साथ जो आपने कृषि कानून बनाए हुए हैं उस पर हमसे बात करिए, हम बताएंगे आपको कि कैसे कानून बनने हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि जितने लोग यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं विरोध में, उससे ज्यादा लोग समर्थन में भी हैं,
लेकिन आज जो करनाल में हुआ उससे कहीं ना कहीं इस आंदोलन को चोट लगती है। प्रद्युम्न, बिल्कुल, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सरकार बैकफुट पर जाने की सोच रही है या जा भी सकती है, तो कहीं ना कहीं ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरीके से ये जो बिल सामने आया ये किसानों के लिए नहीं है, ये किसानों पर थोपा गया है कि जो हमने बोल दिया ये वो ही होना है। ऐसे में मैंने पहले भी जिक्र किया कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, वो अपनी बात सरकार अपनी बात पीछे नहीं रख रही है, और ऐसे में किसान की जो जिद है वो अपनी किसान वो जिद पूरी करवा रहा है। तो बिल्कुल ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार इसका निष्कर्ष किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रहे हैं कि 2024 तक लगातार चलने की बात हो गई है, ऐसे में सब सुख सुविधा वहां पर मौजूद है, तो किसानों का आंदोलन 5000 से लेकर 60000 तक पहुंच रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसान कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो जाए, समझौता निकल जाए, लेकिन सरकार पता नहीं क्यों बैकफुट पर नहीं आ रही है, ये जरूर समझने की बात हो जाती है। लेकिन शायद ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आंदोलन का जो दौर है वो यहां पर जारी है, करनाल की बात करते हैं तो करनाल में जो उग्र किसान हुआ है वो शायद एक बार को गलत कहा जा सकता है, क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, टीकरी बॉर्डर की बात करें, सिंघू बॉर्डर की बात करें, तो बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से वहां पर आंदोलन किया जा रहा है, किसी को कोई परेशान नहीं किया जा रहा है, अपना मनोरंजन करते हुए वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम करनाल की बात करते हैं तो जिस तरीके से वहां पर तस्वीरें सामने आ रही है तो जरूर सोचने को मजबूर कर देती है कि ये वाकई में वो किसान है जो दिल्ली में जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं शांतिप्रिय तरीके से, लेकिन करनाल की जो स्थिति है वो जरूर खराब है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि अब मुख्यमंत्री वहां पर आज नहीं जा पाए तो शायद यह हो सकता है कि आने वाले समय में फिर ऐसी कोई रणनीति बनाई जाए कि मुख्यमंत्री उनसे संवाद करने की कोशिश करें। कामिंद्र जी, जी बिल्कुल, लोकतांत्रिक व्यवस्था में वाद विवाद, संवाद, बहस, इन सब के लिए जगह है, विरोध प्रदर्शन के लिए भी जगह है। इस देश ने कई बड़े आंदोलन देखे हैं, उनको उनसे सरकारें हिलाते हुए भी दिखी हैं जिससे कुर्सियां हिल चुकी हैं, और ऐसे आंदोलन भी देखे हैं जिनको पल भर में सरकार ने कुचल दिया। इमरजेंसी का दौर कौन नहीं जानता। लेकिन प्रद्युम्न, शांति प्रिय जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली की तमाम सीमाओं पर, उस प्रदर्शन से सरकार को बैकफुट पर कर देना आसान दिखता है कई ज्यादा, जिस तरीके से आज जो करनाल में जो घटना हुई घटी है, करनाल में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से किसानों ने वहां पर तोड़फोड़ की, जिस तरीके से वो उग्र हुए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री वहां संवाद के लिए आ रहे थे, उन्हीं से बात करने के लिए आ रहे थे, संवाद करने से ही रोक दिया गया। आप उग्र हैं, आप नाराज हैं, ये बात समझ में आती है, लेकिन एक लोकतंत्र में इस चीज़ का कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप उग्र हो सकें, आप वहाँ पर तोड़फोड़ कर सकें, आप हिंसा का एक जो रूप है वो अख्तियार कर सकें। लेकिन पुलिस की भी ये आपको बता दूं मजबूरी है कि पुलिस को भी इस तरीके की फिर आगे फैसले लेने पड़ते हैं, जिस तरीके से आज लाठीचार्ज करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, वो तस्वीरें जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एक देश के लिए जहां पर जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता हो। लेकिन इस स्थिति को जो भी आज हुआ करनाल में, उसके बाद सरकार के पक्ष है, सरकार के जो तमाम नेताओं के जो बयान आना शुरू हो चुके हैं, उनका कहना है कि ये विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के लोग जो हैं वो किसानों को भड़का रहे हैं, विपक्ष के लोग इनमें मिले हुए हैं, जो विपक्ष के लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इसमें जो एक बहुत बड़ा जो किसानों का रूप था, जो किसानों का एक एंगल था कि किसान जो है वो सरकार के खिलाफ हैं, किसान जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो सरकार को भी बोलने का मौका मिल जाता है कि इसमें जो सबसे बड़ा जो रूप है, जो सबसे बड़ा जो रोल है वो विपक्ष का है, विपक्ष इन किसानों को भड़का रहा है, विपक्ष इन किसानों को आगे कर रहा है, दरअसल उनके कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है। लेकिन इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ना देश का हो रहा है, ना सरकार का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, इससे जो नुकसान है वो किसानों का हो रहा है। किसान जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, किसान जिसके लिए सबके मन में सहानुभूति है, लेकिन किसान सड़कों पर है, सर्दी है, बारिश हो रही है, इस सब तकलीफों के बीच जो किसान है वो अपना घर छोड़कर यहाँ पर हैं, डटे हुए हैं, महीने भर से कई ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन इस तरीके की घटनाएं जैसा करनाल में होने को देखने को मिलता है, इस तरीके की घटनाएं इस आंदोलन पर बहुत गहरी चोट करती हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल कहा जा सकता है कि सरकार अगर इतनी संवेदनशील होती तो शायद इस किसानों के बारे में सोचती या इसका कोई जल्दी से जल्दी हल निकाला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से तो ये भी खबर आ रही थी कि जब वार्ता किसान और सरकार में हुई थी तो ऐसे में सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अब ना आपके पास रखते हैं बात को, ना हमारे पास रखते हैं, ये इसका जो फैसला है वो कोर्ट कर देगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर थी। अब इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जरूर ये जरूर कहा जा सकता है कि किसानों के जो मन में शक है वो MSP को लेकर सबसे ज्यादा बना हुआ है कि मिनिमम सपोर्ट खत्म होगा या नहीं होगा, किस तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस बात का आश्वासन दे चुके हैं कि MSP खत्म नहीं की जाएगी, लेकिन फिर भी वो शक है। तो शक जहां पर आ गया है तो शक के चक्कर में भी इतना बड़ा आंदोलन हो गया, क्योंकि मैंने आपको कई बार जिक्र कर दिया कि वो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तो वो अपनी बात पीछे नहीं रखने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से करनाल में जो स्थिति बनी है तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि अगर किसान उग्र होते हैं तो पुलिस को मजबूरन उनको रोकना पड़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा था, मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले थे, तो किसान
लगातार उग्र हो रहे हैं वो जरूर आप सही कह रहे हैं कि वो गलत है, लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसको कहा जा सकता है कि कुछ हद तक वो ठीक थी, क्योंकि रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन अब ये समय जरूर बता पाएगा कि किस तरीके से अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किस तरीके से संवाद करने की फिर से कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, ये जरूर काविद जी समय जरूर बताएगा। बिल्कुल, देश के लिए सबसे बड़ा पर्व 26 जनवरी बिल्कुल नजदीक है, ऐसे में सरकार भी अपनी तैयारियां कर रही है। हमारे देश में कार्यक्रम होता है, धूमधाम से इसको मनाया जाता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति का कार्यक्रम, उनका मौजूद होना और उसके बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का डटा होना और किसानों का कहना कि वो एक बहुत बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है, ऐसी तस्वीरें अगर 26 जनवरी को निकल कर सामने आती हैं तो ये देश के लिए बहुत गंभीर घटना होगी। प्रद्युम्न, बिल्कुल काविंद्र जी, इस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि अगर 26 जनवरी को ऐसा होता है तो वाकई में ये बड़ी ही गंभीर स्थिति बन जाएगी। एक तरफ तो परेड का दौर रहेगा, लेकिन ऐसे में किसान अपनी रैली भी निकालेंगे, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि स्थिति जरूर भयावह होती जा रही है। लेकिन ये जरूर समय बताएगा कि आने वाले समय में 15 तारीख को भी क्या निर्णय इसमें निकल के आता है या फिर संवाद का जो दौर है वो आगे बढ़ता है। फिलहाल इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।